ये क्या कर रही हो भाभी? अपने लिए जॉब ढूंढ रही हूँ। व्हाट? आप नौकरी करेंगे? क्यों नहीं कर सकती? क्या ग्रेजुएट हो, कमाकर अपना पेट तो पाल ही सकती हूँ। भाभी आपका दिमाग खराब हो गया है, आखिर लोग क्या कहेंगे? लोगों की चिंता होती तो तुम्हारे भैया ये हरकत नहीं करते। इतने साल उनके साथ रहकर भी मैं उन्हें समझ नहीं पाई। हो सकता है मेरी सादगी और भोलेपन को देखकर उन्हें लगा होगा कि मैं चुपचाप सब कुछ सह लूंगी, लेकिन मैं वैसे नहीं हूं सोनिया। मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो चुपचाप जहर पी लेती। भाभी भाभी फॉर गॉड सेक कुछ सब्र से काम लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों में ये सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। ये गलतफहमी नहीं है सोनिया, हकीकत है। तुम क्या जानो सौतन क्या होती है। कैसे हो? जी रहा हूं। खैर तुम बताओ कि तुमने मुझे यहां पे क्यों बुलाया? करण तुम जानते हो कपिल तुमसे कितना खफा है। नफरत करता है मुझसे वो, हेट्स मी। करण कपिल नफरत में इतना अंधा हो गया है, उसे अच्छे और बुरे की भी तमीज नहीं रही। वो लंकेश के साथ काम कर रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, और यही वजह थी कि उसने सोनिया से भी अपना नाता तोड़ दिया है। कुछ करो करण, उसे समझाओ, वरना उस दलदल में वो इतना फंस जाएगा कि चाहकर भी निकल नहीं सकेगा। उससे कुछ नहीं होगा, मैं जो भी कुछ करना चाहता हूं सब कुछ उल्टा हो जाता है। कभी कभी तो दिल करता है मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं यहां से। करण हमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि हमें ये सब झेलना पड़ रहा है? क्या हमारी अपनी कोई जिंदगी नहीं? भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा कर रहा है? किस गुनाह की सजा दे रहा है हमें? हिम्मत रखो, अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो मैं क्या करूंगा?
हिम्मत रखूं मैं? कैसे हिम्मत रखूं मैं? कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? जो मेरा भाई मेरी हौसला अफजाई करता था, वो भी अब बर्बादी की तरफ अपने कदम उठा रहा है। बचा लो करें। मैंने अगर कपिल को समझाने की कोशिश की तो वो नहीं समझेगा। उसकी आंखों पर नफरत की ऐसी चादर पड़ चुकी है कि उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा। वक्त का इंतजार करो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। जैसे तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। देखो सुन, तुम गलत सोच रही हो। मेरा नाम सुभान, तुम गलत सोच रही हो। सुभान, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है। वो मैं सिर्फ सुभान प्लीज, सुभान सुभान प्लीज समझने की कोशिश करो। कंस्ट्रक्शन कंपनी की फाइल है, इसे आप रीड कर लें और साइन कर दीजिए। ओके। हमारी मुलाकात तो होती होगी सोनिया से राहुल? जी सर, अक्सर फोन पर बात होती रहती है। कैसी है वो? जी भाई, मैंने पूछा कैसी है वो। ठीक है। व्हाट डू यू मीन ठीक है? एक्चुअली सर, मेरी उससे मुलाकात तो नहीं हुई, इसलिए ठीक से नहीं कह सकता। तो तुम झूठ भी बोल लेते हो? हाँ। नहीं सर, झूठ तो नहीं बोलता, लेकिन इस वक्त सच भी नहीं बोल सकता। आई एम सॉरी। कमाल है, तुम सच क्यों नहीं बोल सकते? आई जस्ट आस्क्ड यू, सोनिया कैसी है? सर उसका जवाब तो मैं आपको दे चुका हूँ। एक बात कहूँ सर, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, और जहाँ तक सोनिया का सवाल है, आप तो जानते हो कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। आई मीन सर, मैं अपनी नौकरी और अपने जाती रिश्ते अलग रखना चाहता हूँ। तो कौन तुमसे कह रहा है कि तुम अपनी नौकरी और जाती रिश्ते को मिक्स कर दो? आई नो तुम सोनिया के बहुत अच्छे दोस्त हो, और इस वक्त मैं तुमसे सोनिया के दोस्त की हैसियत से ही बात कर रहा हूँ, अपने मुलाजिम की हैसियत से नहीं। समझाओ उसको राहुल, समझाओ सोनिया को। मैंने उसकी आज तक कोई बात नहीं टाली है राहुल, बट दिस टाइम आई नो शी इज रॉन्ग। उसे कहो कि लौट आए मेरे पास। उसके बिना मैं अधूरा फील करता हूँ। सर ये बात अगर आप उसे खुद जाकर समझाएं तो बेहतर होगी, है ना? वो मुझसे कह रही थी कि मैं आपको समझाऊं। सर आप उसकी बात मान लें सर। नहीं 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 राहुल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, और इस बार मैं झुकने वाला नहीं हूँ। तो सर फिर वो भी आपकी बात नहीं मानेगी? तो नहीं माने, नहीं मानेगी ना, नहीं माने वो। लेट हर डैडी गो टू हेल। नहीं मानेगी। One should never fall in love. You can go, Rahul. Okay, sir. Rahul, एक मिनट राहुल। Just do me a favor. सोनू से कहना नहीं कि मैं उसके बारे में पूछ रहा था। Okay, sir. चलते। बाबा, इस बार लंकेश ने बहुत ही गहरी चाल चली है। उसका तीर बिल्कुल सही निशाने पे जा बैठा।
चारों तरफ से घिर चुका हूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अब क्या किया उसने? आप कपिल को जानते हो? मिस्टर मेहरा का जो बेटा है, उसने कपिल को अपने साथ कर लिया। यहां तक कि उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी में उसे पार्टनर बना लिया। शायद आप जानते नहीं कि सोनिया और कपिल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और इस इंसान ने उन दोनों के बीच ना इत्तेफाकी पैदा कर दी। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें सोनिया का क्या कसूर था। वो इस जंग से बाहर थी, लेकिन उसने सिर्फ उसी पर गाज गिराया। परेशान मत हो बेटा, चांदनी सिर्फ 4 दिन की होती है, उसके बाद तो अंधेरा ही होता है। कुछ तो सोचना पड़ेगा बाबा। मैं सोच रहा हूं कि अगर फर्ज करो आप कपिल के पास जाते हैं और उसे किसी भी तरह यकीन दिलाते हैं कि आप लंकेश के पिता हैं, और उसको लंकेश के बारे में सब कुछ बताते हैं कि उसने क्या किया आपके साथ, अपनी मां के साथ कैसा सलूक किया, शायद वो मान जाए। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, मुझे सच नहीं मानेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर लंकू एक बार ही मान जाए कि मैं उसका असली बाप हूं, तो कुछ हो सकता है। वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों मानेगा? वो मानेगा, उसका बाप भी मानेगा, उसकी 7 पीढ़ियां मानेगी। बात सिर्फ वक्त की है, और वो मेरे पास है नहीं। तब तक मेरी जिंदगी बिखर चुकी होगी। ये काम क्यों नहीं करते? ये जो तुम्हारा साला है ना, लंगू का चमचा, अगर किसी तरीके से तुम उसको फंसा दो तो समझ लो कि लंगू का एक बाजू तो टूट गया। बाकी लंगू को मैं देख लूंगा, उसको मैं देख लूंगा। इतना आसान नहीं है। वो मुझसे इतने सतर्क हो चुके हैं कि उनकी कोई भी कमजोरी मेरे सामने नहीं आती। इसका मतलब है तुम चौकन्ने नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं, मैं चौकन्ने नहीं? मत मानना बेटा, तुम्हारी खानदान की इज्जत का सवाल है। मैंने राज की बीवी को चोरी चोरी लंकू के घर आते जाते देखा है। ना मैंने खुद अपनी आंखों से उसे वहां जाते हुए देखा है, और रात देर गए उसके घर से लौटते हुए भी देखा है। Are you sure about it? मैं जानता हूं बेटा, ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन तुम मेरे बच्चे के बराबर हो, मेरे बेटे जैसे हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। Cheers. Cheers, Mona. लंकेश, तुमने तो कमाल कर दिया। कपिल मेहरा को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि वो करण कपूर के नाम से ही नफरत करने लगा है। मोना, वो एक बहुत ही जरूरी मोहरा है, क्योंकि वही एक शख्स है जो करण कपूर की दुखती रग यानी कि उसकी बहन को तड़पा सकता है। मोहब्बत बहुत बुरी शय है, अगर वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया तो वो लड़का अपने हाथ से फिसल सकता है। नहीं, वो नहीं फिसलेगा, वो नहीं फिसलेगा गुना। किसी भी सूरत में लंकेश उसे फिसलने नहीं देगा, क्योंकि वही एक लड़का है जिसके जरिए मैं करण की सबसे बेशकीमती संपत्ति हड़प सकता हूं। यानी सुमन? ठीक समझा तुमने, पर यह काम बहुत मुश्किल है। हर मुश्किल चीज को हासिल करना मेरी खासियत है। हेलो, मैं लंकेश बोल रहा हूँ। लंकेश,
हाँ लंकेश, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छा हूँ, तुम कहो तुम कैसी हो? बस जी रही हूँ ये घुटन भरी जिंदगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे फोन करने की? शर्म नहीं आई इस कमीनी से बात करते हुए? कमीना जरूर, लेकिन तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं। बस बहुत हो चुका, मैं तुम्हें कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी में आए करती रहो। आखिर मैंने किया क्या है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद पूछ रहे हो कि तुमने किया क्या है? तुम्हें शर्म नहीं आई उस नीच औरत के साथ अभी भी गुलछरे उड़ा रहे हो? बकवास बंद करो अपनी, तुम उस औरत को कभी नहीं समझ पाओगे। अरे वो तो दिन रात तुम्हारे घर की सलामती के लिए दुआएं मांगती है और तुम्हें इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। हाँ मैंने उससे प्यार किया है, किया था मैंने उससे प्यार, और आज मैं जो कुछ भी हूं सुमन उसकी वजह से हूं। और भूल गई तुम, उसने तुम्हें तुम्हारा पति लौटा है और तुम उसी को गाली दे रही हो। हाँ दूंगी, जरूर दूंगी। वो कमीनी है, कुल्टा है, बजात है, बाजारू है। सुमन! क्यों बुरा लगा? तुम्हें तो बुरा लगेगा ही, कोई उसे कुछ कहेगा तो तुम्हें बुरा जरूर लगेगा। एक बात सुन लो करण, आज के बाद मैं क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात करती हूँ और क्या बात करती हूँ, ये सब पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। सोनू नाश्ता करो। जी भैया। कहाँ जा रही हो तुम? जिस मर्द को ये नहीं पता कि वो खुद कहाँ जा रहा है, उसे अपनी बीवी को ये पूछने का कोई हक नहीं है। कम ऑन टेल मी। भाभी ने नौकरी कर ली है। क्या?